बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाई से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल ज़्यादा फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो शुरू करती हूँ आज की रूटीन। तो आज की रूटीन है शाम की रूटीन मेरी, तो इसमें मैं शाम का जो भी काम होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो साथ रहिए। तो आज मैंने बनाना है चिकन पुलाव। उसके लिए चिकन धोया तो जा रहा है। चिकन धोने के बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो चूल्हे के पास रखूँगी और पकाना शुरू करूँगी। तो अभी ये चिकन धो लें अच्छी तरह से। हाँ जी, तो चिकन मेरा धुल गया है और अब ये देखिए मैंने प्याज काट लिया है, लहसुन भी छील लिया है, अदरक छील के तो काट लिया है बारीक, और टमाटर भी हैं। तो अब इन सब चीज़ों को धो के ना चूल्हे के पास रखूँगी और उधर मैं बनाऊँगी चिकन पुलाव। तो साथ ही येगा देखना कि कैसे बनता है, मज़े का होगा। तो अभी मैं उठ के ना ये चीज़ों को धो के लाती हूँ। हाँ जी, तो सारी चीज़ें रख ली हैं मेरे पास। चिकन धो के अच्छी तरह से रख लिया है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, नमक मिर्च मसाले, चावल, और अब खाना शुरू करती हूँ। आयल डाल लिया है रेसी में, अब डालती हूँ प्याज। तो गैस आज ना हम 14 अगस्त की खुशी में खाएंगे चिकन पुलाव। 14 अगस्त की खुशी में, और आज ना मुझे 14 अगस्त की इतनी खुशी है तो मेरे मुंह से चिकन चलाओ निकलता है, कभी चिकन खिलाओ निकलता है। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था। तो अभी ये प्याज और कबरन हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें ना लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालूंगी। तो आज का सारा दिन ना सारे ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया इनके सारा दिन। पिछली वीडियो आपने देखी होगी। हाँ जी, तो अभी ये ना रीड करके बैठ गया कि मुझे ना बना के दे पुलाव, चिकन पुलाव। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देखें 14 अगस्त की वीडियो। हाँ जी, तो पहले बस हमारे न्यू चैनल है उसे भी लाइक करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाकर ना जल्दी जल्दी सपोर्ट करें। जिस तरह आपने हमारे इस चैनल पर 1 मिलियन करवाए हैं, उसमें उस चैनल पर भी 1 मिलियन करवा दें। इंशाल्लाह ताला जरूर होंगे। जल्दी जल्दी से हमारा गोल्डन प्ले बटन आ जाए उस चैनल पर भी, और उस चैनल का नाम है हमारा दायरा बी ब्लॉग, तो उसे भी जरूर देखिएगा। हाँ जी, तो इसमें मैंने लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। तो अब इसमें मैं ना डालूँगी चिकन और इसको ना भून लूँगी अच्छी तरह से। हाँ जी, तो लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट अच्छी तरह से भून गया था, तो मैंने इसमें से डाल दिया चिकन। तो चिकन भी तकरीबन ऐसा हो गया है, तो इसमें से ये पानी निकला है तो इसी में ये पक जाएगा। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर और बाकी जो मसाले डालने हैं वो भी। हल्दी, नमक, सूरज मिर्च, मसाला, तो सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर इसमें पानी डाल दूंगी। ये ना चिकन अच्छी तरह से भून के मैंने पानी इसमें डाल दिया है, मसाले सारे डाल दिए हैं। तो अब ना ये पानी पकना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें चावल डालूंगी, और जब चावल पक जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे बने हैं। हाँ जी, तो ये देखे पानी पकना शुरू हो गया है। पानी फिर हो चुका है, तो अब इसे दम पे रखती हूँ। हाँ
हाँ जी, तो ये देखिए मसले का हमारा चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। तो अब मैं डाल रही हूँ प्लेटों में और सबको दूंगी खाने के लिए। और साथ है प्याज वाला सलाद, प्याज और टमाटर, ऊपर है लेबू निचोड़ा हुआ। तो मज़े से खाएंगे आप बैठ के, बहुत ही मज़े का बन चुका है। हाँ जी, शाम का टाइम हो चुका है और ये है हमारा थाली का टाइम। तो हमारी प्लेटें हो गई हैं तैयार, तो अब हम बैठ के खा रहे हैं मज़े से, बहुत ही मज़े की बनी है। तो बहन भाई और जिसने भी खाने हो वो आ जाए खा लें। तारीम के साथ है तारीम? नहीं, मैंने अपने अकेले ने खाने हैं। चलो, मैंने थोड़े से लिए हैं, मैंने अकेले ने खाने हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बने हैं। और ये सलाद जो है ना वो बहुत ही मज़े का होता है, नींबू है उस पर कटे कटे। अब हम ये अपने चावल खत्म करते हैं।